हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अर्तुगुल कास्ट के इस इंटरव्यू की ट्रांसलेशन कर रही हूँ, जिसमें ये लोग इस सीरीज की फनी मेमोरीज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। इन सब से पूछ रहे हैं कि सेट पर कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं। तो इंगिन कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो इंगिन बता रहे हैं कि लास्ट ईयर जब हमने फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन शूट करना था, तो उस सीन में मैंने तीर से वार करना था, तो मैंने जो कमान पहनी हुई थी उसकी जो स्ट्रिंग थी वो अगली तरफ थी, यानी कि मैंने उसे उल्टा पहना हुआ था। मेरा एंगल ठीक नहीं था तो वो उल्टा गलती से मेरी तरफ ही चल पड़ी। फिर मुझे इस बात की समझ लगी कि कमान की स्ट्रिंग पीछे क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम तीर चलाकर छोड़ते हैं तो रबर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वो सीधी मेरे नाक की हड्डी पर आके लगी और वो इतना ज्यादा जख्म हो गया कि मुझे लगा कि मेरे नाक की हड्डी टूट गई है और मैंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सब लोग मुझे कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए और मैं हॉस्पिटल पहुंच भी गया और मुझे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मैंने अर्तुगुल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और उस वक्त लोगों को इस सीरीज के बारे में नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त ये सीरीज टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुई थी बल्कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसलिए अर्तुगुल के कॉस्ट्यूम के बारे में कोई नहीं जानता था। तो मेरे कॉस्ट्यूम के अलावा तलवारें और चाकू वगैरह भी मेरे कपड़ों में थे और ऊपर से मुझे चोट भी लगी हुई थी। और मैं तेजी से एंटर हुआ तो एक औरत ने मुझे कहा, मिस्टर इंगन बे। तो मैंने कहा कि मेरी नाक पर चोट लगी है, तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स आप अंदर आए, मैं आपका एक्सरे करती हूँ। तो जब मैं एक्सरे रूम में एंटर हुआ तो औरत ने मुझसे डरते हुए पूछा कि आपके पास कोई हथियार है, क्योंकि बीप हुआ है। तो मैंने कहा कि हाँ, मेरे पास चाकू और तलवार है। इसके अलावा मेरी पूरी बॉडी पर तलवारों से जख्म हुए हुए थे और मेरे माथे पर भी निशान थे, क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए मैं बहुत ज्यादा जख्मी होता था। और हमारे ट्रेनर ने भी कहा था कि अगर तुम लोगों का खून रियल में नहीं निकलेगा तो तुम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत से एक्सीडेंट हुए, लेकिन थैंक गॉड कि मैं कभी घोड़े से नहीं गिरा। और इसके अलावा बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। सल जान बता रही हैं कि मुझे कोई जख्म नहीं हुआ, मैंने लोगों के साथ फाइट भी किया है, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत ही ज्यादा फनी था और अनबिलीवेबल भी। आपसे मैं इंगन की यही स्टोरी लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरा सीन रिकॉर्ड हो रहा था, उसमें मैं रो रही थी और रोती जा रही थी, और सीन खत्म हो गया था लेकिन फिर भी मैं रोती जा रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा करना था। रिकॉर्डिंग के दौरान जब तक कट नहीं बोलते, सीन की रिकॉर्डिंग होती रहती है। फिर मुझे ख्याल आया कि हर जगह खामोशी हो गई है। मैंने सब लोगों की तरफ देखा तो सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग चाह रहे हैं कि मैं रोती रहूं। आगे से डायरेक्टर कह रहे हैं कि मुझे कट कहना होता है और स्टॉप कहना, लेकिन मैंने ये फिगर आउट किया कि मैं ये नहीं कहता। वो बहुत अच्छा रो रही है। मैं कैमरामैन के पास गया और मैंने उसे कहा कि यहाँ से सीन कट कर देना, लेकिन कुछ बोलना ना, उसको कुछ देर और रोने दो। शूटिंग स्टॉप हो गई और सेट पे सलजान के रोने के अलावा किसी की आवाज़ नहीं थी और वो रोते जा रही थी। मुझे बाद में पता लगा कि रोने का सीन तो सिर्फ 30 सेकंड्स का था और मैं बहुत ज़्यादा देर तक रोई जा रही थी। फिर डायरेक्टर बता रहे हैं कि पहले 5 मिनट गुजरे, फिर 10 मिनट और फिर 15 मिनट गुजर गए और ये फिर भी रोई जा रही थी। अगर इतना लंबा रोने का सीन होता तो ये बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग होती। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। और ये भी बता रहे हैं कि मेरे साथ भी एक फनी इंसिडेंस हुआ था। एक घोड़े ने मुझे किडनैप कर लिया था। अगर आप लोगों में से किसी को घोड़ों के बारे में पता होगा तो आप जानते होंगे कि घोड़े भाग जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जो घोड़े का मालिक होता है वही उसे रोके तो ही वो रुकता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह के फनी और बहुत से सीरियस इंटरव्यूज पे भी वर्क कर रही हूँ, और मैं ब्याज शो के भी मजीद पार्ट्स आपके लिए ट्रांसलेट कर रही हूँ, वो भी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल का विजिट करते रहें। और जो फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे की वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप लोग मेरे चैनल का विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।